हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, योर हेल्थ कार्ड कंसल्टेंट। आज हम करने वाले हैं लेग वर्कआउट विद वन पेयर ऑफ डंबल, यानी कि एक डंबल से हम पूरे लेग का वर्कआउट करेंगे, जिसमें क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स आपके सारे ट्रेन होंगे। तो एग्जैक्टली आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसा रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ। उतना ही रेस्ट लेना है, उतने ही सेट्स लेने हैं और उतने ही रेपिटेशंस लगाने हैं। तो चलिए वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द वार्म अप हियर। सबसे पहली एक्सरसाइज हम यहाँ पे लगा रहे हैं काउ स्ट्रेच। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक, अपर बैक और हिप में मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जो आपके आगे आने वाली मेन एक्सरसाइजेज में बहुत ज़रूरी है। इन वार्म अप एक्सरसाइजेज को हम 30 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे और बिना रेस्ट लिए एक साथ इसको लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन आपके लोअर बैक को टारगेट करती है, साथ ही साथ आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग को भी इन्वॉल्व करती है। इस एक्सरसाइज को भी आप 30 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच को आपको 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। पूरी तरीके से आपको अपने लोअर बैक को टारगेट करना है, साथ ही साथ आप इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है हमारी पुशअप्स। इसको आप नी पुशअप्स भी लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। इसको आपको 30 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज। बेसिकली ये आपके लैट्स को स्ट्रेच करने के लिए, आपके अपर बैक को स्ट्रेच करने के लिए, आपके एब्स को स्ट्रेच करने के लिए ये एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया जाता है, जो आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में आपको बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा लोअर बॉडी मूवमेंट, जिसमें हम लेग किक बैक कर रहे हैं। ये आपके ग्लूट, आपके लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग को इन्वॉल्व करती है, जो बहुत ही ज़रूरी है लगाना आपके लेग वर्कआउट से पहले। नेक्स्ट मूवमेंट भी हमारा लोअर बॉडी मूवमेंट है, जिसमें हम लेग पल्स कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटा मूवमेंट है जो आपको 30 सेकेंड्स के लिए करना है। इट्स फॉर योर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। इसके बाद हम यहाँ पे फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज लगा रहे हैं, जो आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ आपको एक वर्कआउट के दौरान, लेग वर्कआउट के दौरान स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे लगा रहे हैं डीप स्क्वाट्स। डीप स्क्वाट पोजीशन को आपको 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है, जिसमें आपके ग्लूट मसल्स, हैमस्ट्रिंग पूरी तरीके से स्ट्रेच होते हैं और आपके नीज भी पूरी तरीके से फ्लेक्स होते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा पल्स स्क्वाट्स। पल्स स्क्वाट्स बेसिकली एक बहुत अच्छा वार्म अप रूटीन है, जो आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, आपकी नीज को तैयार करता है आपके आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा लंच टैप्स। लंच टैप्स को भी आपको 30 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करना है। ये आपकी अपर बॉडी की मोबिलिटी, साथ साथ आपकी हैमस्ट्रिंग की मोबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। यहाँ पे हमारी वार्म अप एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं। अब हम यहाँ पे 30 से 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारी मेन एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी। हमारे मेन वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज है डंबल स्क्वाट्स। ये हमारा पहला सेट है और इसके हम 20 रेपिटेशंस लगाएंगे। ऐसे ही हमें 4 सेट्स लगाने हैं और इन बिटवीन द सेट्स हम लगभग 30 से 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। डंबल स्क्वाट लगाते हुए ध्यान आपको ये देना है कि आपके डंबल्स आपके शोल्डर्स पे रेस्ट करने चाहिए और पूरी बॉडी को आप स्क्वाट पोजिशन में लेके जाएंगे नीचे, एंड देन यू विल कम बैक। पहला सेट लगाने के बाद हम लगभग यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेट लगाएंगे। ये हमारा सेकेंड सेट है डंबल स्क्वाट्स का। ध्यान दीजिए गाइज, इसमें आपको 20 रेपिटेशन लगाने हैं बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में। जब आप नीचे आते हैं तो आपको पैरेलल पोजीशन तक जाना है और उसके बाद जब आप ऊपर आ रहे हैं तो अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि आपके ग्लूट मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स इंगेज हो पाएं।
इसके बाद यहाँ पे हम लगभग 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड मेक श्योर आप अपने थर्ड सेट के लिए रेडी हो जाएं। So, यहाँ पे हम लगा रहे हैं हमारा तीसरा सेट डंबल स्क्वाट्स का। डंबल स्क्वाट लगाते हुए ध्यान आपको ये देना है गाइस कि ये आपके क्वाड्राइसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को टारगेट करती है। आपको अपने अपर बैक को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है और बेंड नहीं करना है अपने लोअर बैक को और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब हम यहाँ पे लगभग 30 से 50 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 मिनट तक भी जा सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारा चौथा और आखिरी सेट है डंबल स्क्वाट्स का। डंबल स्क्वाट लगाते हुए आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में धीरे धीरे आपको अपने बॉडी को नीचे लेके आना है, नीज को फ्लेक्स करना है और ऊपर आते हुए थोड़ा सा फास्ट करना है मूवमेंट को, सो दैट आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट हो पाएँ। सो यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। यहाँ पे आप लगभग 40 टू 60 सेकंड्स का रेस्ट ले सकते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएं। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है डंबल लंजेस और इसके हम 4 सेट्स लगाएंगे और हर सेट में हमें 12 रेपिटेशन लगाने हैं ईच लेग। आप अपने डंबल्स को अपने साइड्स में होल्ड करके रखेंगे और लंज पोजीशन में जाएंगे एंड यू विल गो बैक और उसके बाद आप दूसरे पैर से लगाएंगे। टोटल आपको 24 रेपिटेशन लगाने हैं, यानी कि 12 एक लेग से और 12 दूसरे लेग से।
इसके बाद हम यहाँ पे 30 से 50 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप 60 सेकंड तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सेकेंड सेट लगा रहे हैं डंबल लंजेस का। ध्यान दीजिए गाइज, आपको अपना पैर इतना ही खोलना है ताकि आपकी नीज आपके टोज से आगे ना जाए और आपके बैक लेग का जो नी है वो ऑलमोस्ट फ्लोर में टच हो, और इस तरीके से आपको 24 रेपिटेशंस टोटल निकालने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 30 से 50 सेकंड का रेस्ट लेंगे और इसके बाद आएगा आपका थर्ड सेट। अब हम यहाँ पे तीसरा सेट लगा रहे हैं डंबल लंजेस का। डंबल लंजेस लगाते हुए ध्यान आपको ये देना है कि आपकी अपर बॉडी ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं आनी चाहिए, आप आगे की तरफ लीन नहीं करेंगे, सीधा आपको अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स और क्वाड्स को टारगेट करते हुए नीचे जाना है और स्लोली ऊपर आना है। अब हम यहाँ पे लेंगे 30 से 50 सेकंड का रेस्ट और इसके बाद आएगा हमारा चौथा सेट। सो दिस इज़ आर फोर्थ एंड लास्ट सेट ऑफ डंबल लंजेस। मेक श्योर गाइस कि आपकी फॉर्म एंड टेक्निक एग्जैक्टली वैसी ही होनी चाहिए जैसे आपकी पहले सेट में थी, उतना ही कंट्रोल फॉर्म आपका लास्ट सेट में भी होना चाहिए। I can't find
सो यहाँ पे हमारी दूसरी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम यहाँ पे 30 to 60 seconds का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारी तीसरी एक्सरसाइज आएगी। सो गेट रेडी फॉर इट। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है एक सुपर सेट सुमो स्क्वाट एंड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसके हम 4 sets लगाएंगे। सुमो स्क्वाट के हम लगाएंगे 15 repetitions एंड स्टिफ लेग के हम लगाएंगे 12 repetitions। ये हमारा पहला सेट यहाँ पे लगाया जा रहा है। पहला सेट खत्म होने के बाद आप यहाँ पे 30 to 50 seconds का रेस्ट लेंगे और उसके बाद आप लगाएंगे सेकेंड सेट। ड्यूरिंग द रेस्ट आप यहाँ पे पानी कंज्यूम जरूर करें ताकि आप आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए जल्दी रिकवर हो पाएं। सो अब हम लगाएंगे हमारे सुपर सेट का सेकेंड सेट जिसमें हम सुमो स्क्वाट और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लगा रहे हैं। सुमो स्क्वाट लगाते हुए आप अपने इनर हैमस्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। मेक श्योर आपका स्टैंस वाइड होना चाहिए नॉर्मल स्क्वाट से ज़्यादा और आप अपनी अपर बॉडी को एक न्यूट्रल पोजिशन में रखेंगे, ज़्यादा बेंड नहीं करेंगे सामने की ओर और आपके डंबल्स सामने की ओर आप होल्ड करके रखेंगे। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लगाते हुए आप बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगाएंगे, आपके नीज स्लाइटली बेंड रहेंगे, लूज रहेंगे और आपका पूरा लेग स्टिफ रहेगा। यहाँ पे आप अपने हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेच पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को टारगेट करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे 30 to 50 seconds का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे हमारी नेक्स्ट सेट।
सो यहाँ पे हम अपना तीसरा सेट लगा रहे हैं सुमो स्क्वाट एंड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का। सुमो स्क्वाट लगाते हुए जिस तरीके से आपको डंबल सामने की ओर होल्ड करना है, मेक श्योर कि ये आपको फॉरवर्ड बेंड ना करे और आप बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में इस मूवमेंट को लगाएं। सुमो स्क्वाट करते हुए आपको पैरेलल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे आना है, यानी कि आपके ग्लूट्स ऑलमोस्ट पैरेलल होने चाहिए आपके फ्लोर के। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लगाते हुए ध्यान ये दीजिए कि आपके डंबल्स ऑलमोस्ट आपके एंकल्स तक जाएंगे और आप पूरी तरीके से अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद आपको ऊपर आना है। अब हम यहाँ पे लेंगे 30 से 50 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर आप यहाँ पे पानी जरूर पिएं और जल्दी रिकवर होने की कोशिश करें। तो ये हमारा चौथा और लास्ट सेट है सुमो स्क्वाट्स एंड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का। बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में आपने इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को लगाना है एंड मेक श्योर कि आपके टारगेट मसल आपका इनर हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने आउटर हैमस्ट्रिंग पर भी फोकस करें। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हम 40 टू 60 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको यहाँ पे मैट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे इसको फ्लोर पे लगाएंगे।
हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल ग्लूट ब्रिज, जिसके हम यहाँ पे 4 सेट्स लगाएंगे और टोटल 15 रेपिटेशंस लगाएंगे हर सेट में। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके ग्लूट मसल्स को टारगेट करती है, साथ ही साथ आपके हैमस्ट्रिंग को भी इन्वॉल्व रखती है। इसके बाद यहाँ पे हम 30-50 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट सेट यहाँ पे हम लगाएंगे। ड्यूरिंग रेस्ट आप यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं हमारा सेकंड सेट डंबल ग्लूट ब्रिज का। ग्लूट ब्रिज लगाते हुए ध्यान ये देना है कि आपके जो हील्स हैं वो ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए आपके हिप्स से, ताकि आप पूरी तरीके से अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ। डंबल्स आप अपने पेल्विस वाले एरिया पे होल्ड करेंगे और जब आप ग्लूट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, तो आपके नेक को भी आपने स्लाइटली बेंड करना है, फ्लेक्स करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 30-50 सेकंड का रेस्ट और रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी ज़रूर पिएं और साथ ही साथ स्ट्रेच ज़रूर करें। अब हम लगा रहे हैं हमारा तीसरा सेट ऑफ ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज लगाते हुए ध्यान आपको ये देना है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट को, जब आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको स्लाइटली 1 सेकंड के लिए होल्ड करें और उसके बाद ही अपने ग्लूट्स को नीचे लेके आएं। इसी तरीके से आपको 15 रेपिटेशंस यहाँ पे सेम फॉर्म में लगाने हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 30-50 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेट आएगा ग्लूट ब्रिज का। सो यहाँ पे हम अपना 4th एंड लास्ट सेट लगा रहे हैं ग्लूट ब्रिज का। एग्जैक्टली जैसा फॉर्म आपका तीनों ही सेट्स में रहा है, वैसा ही फॉर्म आपका इसमें रहना चाहिए। बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगाना है। ये एक बहुत ही छोटा मूवमेंट है, बट बहुत ही इफ़ेक्टिव, जो आपके ग्लूट्स को सबसे ज़्यादा टारगेट करता है।
सो यहाँ पे हमारी ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम यहाँ पे 30-60 सेकंड का रेस्ट लेंगे। आप रेस्ट के दौरान पानी जरूर कंज्यूम करें और रेडी हो जाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है डंबल साइड लंजेस, जिसके हम 4 सेट्स लगाएंगे एंड टोटल 15 रेपिटेशंस हर सेट में। साइड लंजेस लगाते हुए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको एक साइड को लंज करना है, पूरी तरीके से अपने हैमस्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना है और स्ट्रेच करना है। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे 30-50 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेट यहाँ पे हम लगाएंगे। साइड लंजेस लगाते हुए ध्यान आपको ये देना है कि आप पूरी तरीके से अपने हैमस्ट्रिंग को पैरेलल टू द ग्राउंड करेंगे जब आप नीचे आते हैं, और उसके बाद आपकी हैमस्ट्रिंग पूरी तरीके से टारगेट होनी चाहिए यहाँ पे, और इनर हैमस्ट्रिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए, और टोटल 15 रेपिटेशंस लगाएंगे दोनों पैरों को मिला के। इसके बाद यहाँ पे हम 30-50 सेकंड का रेस्ट लेंगे। आप रेस्ट के दौरान पानी ज़रूर कंज्यूम करें और अपने नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हो जाएं। सो यहाँ पे हम अपना तीसरा सेट लगा रहे हैं साइड लंजेस का। साइड लंजेस लगाने के लिए आपको अपने डंबल को सामने होल्ड करना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि आपकी जो अपर बैक है वो ज़्यादा लीन नहीं होनी चाहिए आगे, यानी कि रोल नहीं होनी चाहिए, और आप पूरी तरीके से अपने हैमस्ट्रिंग पे थ्रू आउट द सेट कंट्रोल करेंगे और उसको टारगेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे अगेन 30-50 सेकंड का रेस्ट एंड गाइज हमारी ऑलमोस्ट 80% एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो गाइज कीप पुशिंग, कीप वर्किंग हार्ड।
ऑलराइट, सो यहाँ पे हम अपना फोर्थ एंड लास्ट सेट लगाएंगे डंबल साइड लंजेस का। मेक श्योर गाइस कि आपकी फॉर्म एग्जैक्टली वैसी ही होनी चाहिए जैसे पहले सेट में थी। बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में आपको, स्लो टेम्पो में आपको नीचे लेके आना है अपने वेट को, और उसके बाद पुश करते हुए बहुत ही धीरे से ऊपर जाना है और अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पे हम 40 टू 60 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आएगी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग एंड सीटेड काफ रेजेस, जिसको हम सुपरसेट करेंगे। स्टैंडिंग काफ रेजेस में आप टोटल 15 रेपिटेशंस लगाएंगे और सीटेड काफ रेज में आप टोटल 12 रेपिटेशंस लगाएंगे। इसके आपको 4 सेट्स लगाने हैं एग्जैक्टली ऐसे ही। सेट खत्म होने के बाद यहाँ पे हम 30 टू 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेट यहाँ पे लगाया जाएगा। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आप यहाँ पे पानी जरूर कंज्यूम करें। सो यहाँ पे हम लगा रहे हैं हमारा सेकेंड सेट ऑफ स्टैंडिंग एंड सीटेड काफ रेज। स्टैंडिंग काफ रेज लगाते हुए आप पूरी तरीके से अपने हील को ऊपर उठाएंगे और अपने टो पे खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रोक्नीमियस जो काफ मसल है वो टारगेट हो रहा है। डंबल्स को आपने आगे होल्ड करना है और पूरी तरीके से कंट्रोल फॉर्म में इस मूवमेंट को लगाना है। सीटेड काफ रेज लगाने के लिए आपको इस तरीके से डंबल को अपने लैप पे रखना है और बैठना है। ध्यान दीजिए कि जब आप बैठेंगे तो आपको पूरी तरीके से नहीं बैठना है, अपने पंजों पे यानी कि टोज पे आपको खड़ा रहना है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो मेक श्योर कि आप अपने टोज पे ही रहें। ये एक्सरसाइज आपके सोलियस मसल को टारगेट करती है जो आपके काफ मसल का दूसरा हिस्सा होता है।
इसके बाद यहाँ पे हम लगभग 30 टू 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद लगाएंगे हम अपना नेक्स्ट सेट। मेक श्योर आप रेस्ट के दौरान यहाँ पे स्ट्रेच जरूर करें अपने काफ मसल्स को। सो अब हम लगाएंगे हमारा तीसरा सेट स्टैंडिंग एंड सीटेड काफ रेज का। स्टैंडिंग काफ रेज इसीलिए लगाई जाती है गाइस ताकि आपके गैस्ट्रॉक मसल को टारगेट करे एंड मेक श्योर कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि अपने हील्स को ऊपर उठा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उसे एक सेकंड के लिए पॉज ज़रूर करें कॉन्ट्रैक्शन को और उसके बाद नीचे लेके आए। सीटेड काफ रेज लगाना काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसमें आपको पूरी बॉडी को बैलेंस करना है। मेक श्योर कि आप डंबल्स को अपने लैप पे रखने के बाद सामने की ओर लीन करें ताकि आप पीछे की तरफ ना फॉल हो जाएं। सो मेक श्योर बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में इसको लगाएं। अगर आप डिसबैलेंस होते भी हैं तो इट्स ऑल राइट, वापस से अपने आप को फिक्स करें और कंटिन्यू करें अपने सेट को। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे 30 टू 50 सेकंड का रेस्ट। मेक श्योर गाइज आगे आने वाला सेट हमारा लास्ट सेट है, सो पूरी तरीके से आपको हाई इंटेंसिटी रखनी है हमारे नेक्स्ट सेट में। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम अपना फोर्थ एंड लास्ट सेट लगा रहे हैं स्टैंडिंग काफ रेज एंड सीटेड काफ रेज का। स्टैंडिंग काफ रेज अगेन जैसा फॉर्म आपका पहले सेट में था वैसा ही आपका होना चाहिए। पूरी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने काफ मसल को, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर उसके बाद आप लैंड करेंगे अपने हील्स को। सीटेड काफ रेज लगाते हुए एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बताया कि आपको स्लाइटली आगे की ओर लीन करना है अपनी अपर बॉडी को ताकि आप बैलेंस बना सकें और अपने हील्स को आप हमेशा ऊपर ही रखेंगे, नीचे आपको नहीं रखना है फ्लैट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं। अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और स्टैटिक स्ट्रेचेज यहाँ पे हम करेंगे जिसमें आपकी पूरी बॉडी को पूरी तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे इन स्ट्रेचेस को ताकि आपको किसी भी तरह की इंजरीज ना हो और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो। इस तरीके से यहाँ पे आप अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग करके और इसी के साथ आप फाइनल स्ट्रेचेस ज़रूर करें।
ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। पोस्ट वर्कआउट मील क्या होता है? पोस्ट वर्कआउट मील होता है आपके वर्कआउट के बाद जो आप कंज्यूम करते हैं, फूड आप खाते हैं, ड्रिंक आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट वर्कआउट मील। अब पोस्ट वर्कआउट मील खाने से ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाता। अगर आप पोस्ट वर्कआउट मील ही सिर्फ खाते हैं और दिन भर में अपना जो खाना खा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये चीज़ आपकी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए, चाहे वो मसल बिल्डिंग है, फैट लॉस है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, कोई भी आपका गोल हो, उसके सही रिजल्ट के लिए आपको ओवरऑल दिन भर में जितनी भी आप कैलोरीज ले रहे हैं, जितना भी फूड खा रहे हैं, वो बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप उससे कम, ज़्यादा या ठीक क्वालिटी का फूड नहीं खा रहे हैं और सिर्फ पोस्ट वर्कआउट मील पे आप फोकस कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल बैलेंस न्यूट्रिशन आपको चाहिए। उसके साथ जब आप, उसके अंदर जब आप पोस्ट वर्कआउट मील को ऐड करते हैं, तब वो आपको ग्रेट रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। नाउ पोस्ट वर्कआउट मील, जैसा मैंने बताया कि आफ्टर वर्कआउट आपको लेना होता है, तो इसमें आप क्या क्या फूड कंज्यूम कर सकते हैं? इसमें चाहिए होते हैं आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स। सो ये दोनों ही न्यूट्रिएंट आपको इसीलिए चाहिए होते हैं क्योंकि वर्कआउट के बाद आप पूरी तरीके से ग्लूकोज आपकी बॉडी से निकल जाता है, यूज हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। नाउ तुरंत आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, मसल ग्लाइकोजन, वो फिलअप हो सके और आपकी वापस से स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में आ सके। साथ ही साथ जो आपका इलेक्ट्रोलाइट भी रिलीज होते हैं बॉडी से, वो भी, उनका लेवल भी एक सही लेवल पे आए। उसके बाद आपको प्रोटीन, फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपके मसल्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उनकी रिपेयर के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी रिकवरी के लिए आपको फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन, अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम ज़्यादातर लोग पोस्ट वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन, फास्ट एब्जॉर्बिंग वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वे प्रोटीन वगैरह नहीं लेते तो यहाँ पे आप एग वाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं। वेजिटेरियन अगर हैं तो यहाँ पे सोया चंक्स कंज्यूम कर सकते हैं, ब्लैक चने कंज्यूम कर सकते हैं, इवन लो फैट पनीर भी यहाँ पे कंज्यूम किया जा सकता है। और कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप बनाना, डेट्स यानी कि खजूर, उसके साथ साथ फ्रूट्स जैसे कि आपके एप्पल, पेयर, इस तरीके के फ्रूट्स को आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेड भी कंज्यूम की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पोस्ट वर्कआउट मील में आती हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, साथ में ओवरऑल दिन भर में बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तब जाके आपको ट्रेनिंग के साथ एक सही रिजल्ट मिलती है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन और ये था हमारा लेग का वर्कआउट। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।